अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, क्लास वन, मिस बेनिश हूँ मैं। सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, पेज नंबर है 10, लेक्चर नंबर है हमारा 6। आपके पेज नंबर 10 के ऊपर देखिए, ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज को हमने सॉल्व करना है, वो किस मेथड पे करना है वो मैं आपको समझाने लगी हूँ। सॉल्व किया हुआ पेज इस टाइप का होगा। दिस पेयर ऑफ हैंड्स हैज़ 10 फिंगर्स, काउंट करेंगे। आपको पता है ये तो, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे वन हैंड में 5 फिंगर्स हैं। अगर हम टू हैंड्स को फिंगर्स को ऐड करेंगे तो हमारी फिंगर्स 10 हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब हमने टू हैंड्स के फिंगर्स को काउंट किया तो वो 10 हो गई, यानी कि टू के पेयर्स बनाए, जब टू हैंड्स के पेयर किया तो 10 बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक जो चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। लुक एट द नंबर्स इन द ग्रिड, सम पेयर्स ऑफ नंबर्स एड अप टू द 10, फाइंड देम एंड कलर देम, टू पेयर्स हैव बीन डन फॉर यू। दो जो हैं वो आपके लिए ऑलरेडी डन हुए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये पूरी एक फर्स्ट लाइन जो है ना, ये कंप्लीट करके दिखा दी है, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखें, 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएंगे। इसमें आप येलो कलर कर लें या कोई भी कलर यूज़ कर लें। 6 में 4 ऐड करेंगे, ये तो आपको काउंटिंग गिननी पड़ेगी। जब आप काउंटिंग गिन गिन के करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप ये जो हैंड्स की फिंगर है ना, इससे भी हेल्प ले सकते हैं आप। 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएंगे, हम इसके अंदर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे, इसमें भी हम कोई भी नंबर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, 3 में हम अगर 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 नहीं बनेंगे, ये 11 बन जाएंगे। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, 1 में हमने 9 ऐड किया तो 10 बन गए। जब 10 बने तो हम इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट लाइन आपको कलर करके सिर्फ इसीलिए दिखा दी ताकि जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट पेयर बना के दिखा दी है बोर्ड के ऊपर। ये देखें आप, इस पेज के ऊपर मैंने डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके मैंने आपको ब्लॉकिंग कर दी है। आप कोई भी कलर्स यूज़ करके इसको, नंबर्स को कलर कर दें। जैसे मैंने ये वाले कलर किए हैं, ऐसे आपने कलर कर लेना है। ये एक्टिविटी आप घर पर करेंगे और मामा को भी तंग नहीं करेंगे, खुद भी करेंगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी वे है। आप काउंट करते जाएंगे और इसकी हेल्प ले लेंगे, साथ साथ मेरे साथ मैच भी कर लीजिएगा। जब आप मैच करते जाएंगे तो आपका कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। कोई भी कलर यूज़ कर लेंगे आप तो आप इसको कलर कर लेंगे, और काउंट करते रहिएगा। 5 में 5 ऐड करेंगे 10 बन जाएंगे, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएंगे, 10 में जब हम 0 ऐड करेंगे, 0 को आपको मैंने पहले भी बताया कि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब आप 0 ऐड करेंगे 10 में तो वो 10 ही रहेगा, तो उसको भी कलर कर देंगे। ये मैंने डिफरेंट तरीके से आपको, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके मैंने आपको ये दिखा दिया है। इसको सबको फॉलो करते हुए आपने घर में ये कलर एक्टिविटी खुद करनी है, और कलर्स करने के बाद नीट सा काम करना है, जैसे यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे करके दिखा दिए। ओके?